सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र डेली वर्कशीट नंबर फिफ्टी सेवन एंड इट इज ओनली फॉर क्लास टेन स्टूडेंट्स फ्रॉम नेशनलिज्म इन इंडिया योर हिस्ट्री बुक उसकी हम आज रिविजन कर रहे हैं इस वर्कशीट में क्योंकि हमारा कोर्स जो कोर्स है टेंथ का वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है अब हम हर लेसन की वन मार्कर या थ्री और फाइव मार्कर क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे तो आज हम वन मार्कर क्वेश्चंस की रिवीजन इस वर्कशीट में कर रहे हैं सो नाउ लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी क्वेश्चन नंबर वन इज वेर डेट महात्मा गांधी लॉन्च द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया यानी आफ्टर केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन नाइनटीन गांधी जी ने कहाँ पर अपना फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च किया था तो इसका आंसर है चंपारण बिहार फॉर द नील पेजेंट फॉर द इंडिगो पेजेंट्स याद रहेगा सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अलूरी सीताराम राजू आपको याद है ना अलूरी सीताराम राजू के बारे में तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जिन्हें हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सही है So first statement is, he was leader of tribal movement in Gudem Hills in Andhra Pradesh. Yes, it is true. उसने वो जो वो आंध्र प्रदेश में गुड़ेम हिल्स थी ना वहाँ पर आदिवासी का जो मूवमेंट था जो भी आंदोलन था उसका वो लीडर था यस yes, बिल्कुल सही बात है ही परसवेडिड द ट्राइबल पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग यस ये भी बिल्कुल ट्रू है क्योंकि उन्होंने ट्राइबल लोगों को खादी पहनने के लिए और शराब छोड़ने के लिए कहा था प्रेरित किया था मोटिवेट किया था क्योंकि वो खुद भी जो गांधी जी थे उनके ओपिनियन से उनके आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड थे थर्ड इज ही स्टार्टेड अ मिलिटेंट गुरेला मोवमेंट वो गुरेला मोवमेंट चलाते रहे येस yes, ये भी उनके बारे में ट्रू है देन द आंसर इज ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट ओके नाउ द थर्ड क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज यस ए ओ ह्यूम उनका नाम था ए ओ एम एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर ज़रूर आएंगे री राइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग अंडरलाइन फ्रेज यहाँ पर एक फ्रेज को अंडरलाइन किया गया है आपको उसको करेक्ट करके पूरे स्टेटमेंट को दोबारा से लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा है ऑन थर्टीन अप्रैल नाइनटीन ट्वेंटी जलिया वाला बाग मैस्र टुक प्लेस इन पंजाब क्या थर्टीन अप्रैल नाइनटीन ट्वेंटी को हुआ था नो no. ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को तो आपको इसको दोबारा से लिखना है 13 ऑन 13th अप्रैल 1919 1919 सॉरी जलियावाला बाग मैस्केयर took place in पंजाब नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिफाई द पर्सनालिटीज शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि एक आपको पिक्चर दे रखी होगी उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस पर्सनैलिटी को तो ये तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं एंड इटे दे आर रिलेटेड टू आर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन्हें सब पहचानते हैं ये हैं महात्मा गांधी ये भी वेल well नोन हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनके साथ ये हैं अबुल कलाम आज़ाद तो ये तीनों फेमस पर्सनालिटीज ये हैं नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आते हैं आप इनको क्या कीजिएगा बहुत ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको ये समझ में आएंगे और बहुत ईजी होते हैं इन द क्वेश्चन गिवन बिलो दे आर आर टू स्टेटमेंट्स एस assertion, यानी स्टेटमेंट एंड रीजन आर रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको दोनों को पढ़ना है assertion और रीजन यानी assertion का मतलब होता है उसकी क्लैरिफिकेशन बोल दीजिए और वो है दूसरा है रीज़न तो अब आपको इनके ऑप्शन पढ़नी है पहले तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है Assertion इज महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यस हमने अपनी बुक में पढ़ा है एंड द रीजन इज अ पैक्ट वॉज साइन बिटवीन इरविन एंड महात्मा गांधी इन 1931, इट इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि 1931 में महात्मा गांधी एंड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था तो अब हमें इसकी जो ऑप्शन चूज करनी है वो है फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट explanation ऑफ ए बोथ यानी इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों ही सही हैं और दोनों का आपस में मैच भी है दूसरा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेशन ऑफ ए तो इसका मतलब ये है कि दोनों सही तो हैं लेकिन दोनों में आपस में कोई मैच नहीं है आप इस चीज़ को मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखिएगा हमेशा यही इस तरीके की ही ऑप्शन आती हैं थर्ड इज़ ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट यानी ए तो सही है लेकिन आर इनकरेक्ट है एंड डी इज़ ए इज़ रॉन्ग एंड आर इज़ करेक्ट तो ए गलत है और आर सही है तो इसका आंसर तो जो फर्स्ट वन है वो है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्योंकि आपको पता है कि एक पैक्ट जब 1931 में बिटवीन महात्मा गांधी एंड इरविन साइन हुआ था उसी के रीज़न से महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल में लंडन में पार्टिसिपेट किया था नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स अब आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट इज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द फाउंडर ऑफ डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन यस उन्होंने डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन की फाउंडेशन की थी एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू नाउ द क्वेश्चन नंबर एट इसमें वन वर्ड या वन सेंटेंस आंसर होता है वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड सत्याग्रह यानी सत्याग्रह वर्ड से आप क्या समझते हैं तो आंसर इज एम्फ ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ यानी सत्य की पावर पर जोर देना उसके लिए आ, किसी को बताना और वो भी कैसे अहिंसा के तरीके से बिना किसी को नुकसान पहुँचाए हुए एंड द क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्वदेशी नाम से समझ में आता है स्वदेशी दैट मीन्स फोकस ऑन द प्रोडक्ट विच वॉज प्रिपेयर इन ओन कंट्री यानी जो चीज़ें हमारी कंट्री में बनी हो उन्हीं प्रोडक्ट्स पर जब हम फोकस करते हैं उन्हीं पर ध्यान देते हैं उन्हीं को कोई खरीदते हैं उन्हीं को यूज करते हैं उसको हम स्वदेशी कहते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाई डेड ब्रिटिश गवर्नमेंट करतेल द फ्रीडम ऑफ प्रेस आफ्टर 1857 तो आपको याद होगा 1857 का जब फर्स्ट वर् फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेस की जो फ्रीडम थी उसको कर्टेल यानी उसको बैन कर दिया था ऐसा क्यों किया गया था टू कर्ब द अराउजिंग स्परेट ऑफ नेशनलिज्म तो जो नेशनलिज्म की जो भी भावना भड़क रही थी और वो किसके थ्रू भड़क रही थी इंडियन न्यूज़पेपर के थ्रू भड़क रही थी तो इसको करने के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि कटे द फ्रीडम ऑफ प्रेस आफ्टर 1857 तो तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है टू कर्ब द अराउजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म द ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्टेल द फ्रीडम ऑफ प्रेस आफ्टर 1857 सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही बढ़िया मार्क्स प्राप्त जिए और इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और टू यार्ड्स एंड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विथ सोप एंड वाटर एंड प्लीज वी आर आर मास्क क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं थैंक यू वेरी मच